हाँ जी, लास्ट लेक्चर में आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने स्टार्ट की थी, छोटी मोटी बातें आपने डिस्कस की थी, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कैसे हमने डिस्कवर की, कैसे उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, वाइटल फोर्स थ्योरी हमने पढ़ी, वाइटल फोर्स थ्योरी को झुठला देने वाला कंपाउंड भी हमने पढ़ा जो कि यूरिया था, तो उन सब के बारे में पढ़ा। जो झूठ बोल रहा था वो था बर्जीलियस, और जिसने फर्स्ट कंपाउंड की डिस्कवरी की वो था होलर। तो हमने ये सब चीजें पढ़ी थी कल वाले लेक्चर में, कल वाला लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा तो वो आप देख सकते हो। आज आप उससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कल जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको यह बताया था कि हमारे पास जो कार्बन प्रेजेंट है वो कितने टाइप की हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कार्बन होता है वो तीन टाइप की हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, sp3, sp2 और sp। कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब शो करता है? जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब शो करेगा? जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगी। और sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे शो करेगा? जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगी। यही है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जब होती है तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होती है, समझ में आया? जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होती है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होती है और एक पाई होती है, और जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होती है इसमें एक सिग्मा होती है और दो पाई होती है। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। सिग्मा बॉन्ड्स को अपन दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड और एक कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, ये वाली आ सकती है। बाकी अगर आप ऑक्सीजन वाले कंपाउंड पढ़ रहे हो तो कार्बन ऑक्सीजन के सिग्मा बॉन्ड भी आ सकती है। तो वो सिंगल बॉन्ड जिन भी एटम्स के बीच में बनी होती है वो मेंशन कर देते हैं। बात समझ में आ गई? इन सब बातों को हमें लिखना है, तो आप हेडिंग डालोगे टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन एंड टाइप्स ऑफ कार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? तो लिखोगे एज वी नो, फटाफट लिखोगे स्पीड से, कार्बन कंटेन्स फोर इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, इन इट्स वैलेंस शेल एंड हेंस कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर। कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर। कार्बन हमारा टेट्रावेलेंट है, इसका मतलब ये है जब जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन को यूज करोगे तो आप कार्बन के मैक्सिमम चार ही बॉन्ड बना सकते हो, चार से ज्यादा नहीं बना सकते। अब मैंने जो रिप्रेजेंटेशन दी है इस रिप्रेजेंटेशन में कार्बन के चारों सिग्मा बॉन्ड दिखाए मैंने, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। मैंने ये बोला है कि कार्बन चार बॉन्ड बनाएगा, उस चार में फिर हमारे पास सिग्मा भी आ सकते हैं और पाई भी आ सकते हैं, ठीक है ना? चाहे सिग्मा बॉन्ड हो चाहे पाई बॉन्ड हो, अगर वो बॉन्ड कार्बन ने बनाए हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स को कितने बना सकता है? चार ही बना सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है जी? तो ये चार बॉन्ड बनाने वाला जो नेचर है ये कार्बन का टेट्रावेलेंट नेचर शो करता है। अब ये टेट्रावेलेंट तो आपने बता ही दिया, अब इसमें अपने को ये भी बताना है टाइप्स ऑफ कार्बन। तो आप लिखोगे इसी के अंदर कंटिन्यू, कार्बन में भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड इफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंटेन, इफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ऐसे लिखना है।
कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है, फुल स्टॉप के बाद, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड इफ इट कंटेन्स यहां देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड sp हाइब्रिडाइज्ड एंड sp हाइब्रिडाइज्ड इफ इट कंटेन्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। If it contains carbon carbon triple bond, तो सिंगल बॉन्ड होगा अभी बताया मैंने, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, डबल बॉन्ड होगा हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। ये तीन तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारे पास, ठीक है ना। अब ये तीन तरह की हाइब्रिडाइजेशन तो मैंने बताई दी थी, इसमें मैंने आपको ये भी बताना था कि हमारे पास कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड है। तो यहां पे लिख लोगे, सिंगल बॉन्ड में होता है 1 सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में होता है 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में होता है 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड। ये याद रखोगे हमेशा, 1 मार्क में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इसके टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करो, तो इस तरीके से। अभी इसका पर्टिकुलर एग्जाम्पल भी करेंगे। क्या ही और लोगों का पाई ऐसे होता है, मेरा ऊपर से थोड़ा बंद है बस, और कुछ नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं 2 डंडे अलग से लगा के फिर ऐसे करता हूं, तो हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन लिखोगे, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन ईच मॉलिक्यूल एंड ऑल्सो टेल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एंड ऑल्सो टेल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन। दो काम करने हैं आपको यहां पे, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बतानी है और उसी के साथ साथ आपको हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। ये नहीं है कि आपने मेन वाले कार्बन की बता दी, वे सिंगल है तो sp3, डबल है तो sp2 और ट्रिपल है तो sp। अगर उसमें 4 कार्बन आ रही हैं, 4 में से 1 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला है, 1 कार्बन डबल बॉन्ड वाला है, 1 कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला है, तो आप तीनों की हाइब्रिडाइजेशन बताओगे, सबकी बतानी है। बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल है मेरे पास, एक ये एग्जाम्पल है, पहले जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो भी अपना आंसर दे सकते हैं। तो मुझे इसमें 2 बातें बतानी है, पहली बात तो सिग्मा और पाई बॉन्ड्स और दूसरी बात हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें क्या होगा वो देखो, इस स्ट्रक्चर में मैंने आपको सारी बॉन्ड शो करी हैं पर हाइड्रोजन वाली शो नहीं की, तो यहां पे आपको पहले सारी बॉन्ड शो करनी पड़ेगी। इसका मतलब इक्विवेलेंट टू, 3 डंडे लगाने का मतलब है, ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड तो 2 एटम्स के बीच में होती है, अगर आप इसको सिंपली लगा रहे हो तो ये होता है इक्विवेलेंट का साइज। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अब आप ये वाली चीज करना भूल जाते हैं, सिग्मा पाई गलत बता देते हैं, तो यहां पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, तो जैसा चिराग ने बताया था 5 सिग्मा बॉन्ड्स है, डबल बॉन्ड थी, डबल में 1 सिग्मा 1 पाई होती है तो 1 पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा केस आ गया। सेकंड हमें क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बतानी है कार्बन की, और किसी आइटम की हाइब्रिडाइजेशन नहीं बतानी, सिर्फ कार्बन की बतानी है। कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना रहा है, कार्बन डबल भी बना रहा है, प्रेफरेंस इसको देंगे डबल को, तो इसका मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन,
तो ये हमारा आंसर हो गया। हमें ये भी बताना था, हमें ये भी बताना था, ठीक है ना। ये एक एग्जांपल हमने ट्राई किया। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल, इस एग्जांपल में हमें हाइब्रिडाइजेशन भी बतानी है और सिग्मा और पाई बॉन्ड भी कैलकुलेट करने हैं। तो ये हमारा लास्ट एग्जांपल रहेगा, इसके बाद आप आगे करेंगे। तो इसमें देखो एक बार, आपको जब भी पता करना हो कि कितने सिग्मा बॉन्ड है कितने, हमेशा फॉर्मूला खोल लिया करो, और फॉर्मूला को एक्सटेंड करने के लिए आपको एक बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि सारे कार्बन टेट्रावेलेंट होते हैं, तो सभी कार्बन के चार बॉन्ड पूरे होना जरूरी है। अब यहां पे देखो, इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये रहा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये रहा। अब मुझे इसका नहीं पता, तो एक बार मैं इसका ऐसे लिख लेता हूं CN। अब इसमें कार्बन ने दो बॉन्ड बनाए हुए हैं, कार्बन चार बना सकता है, तो इसका मतलब ये है दो बॉन्ड मैं यहां पे और दिखा सकता हूं। तो CN में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होती है, तो इसमें सिग्मा और पाई कैलकुलेट कर लेंगे, वो आप करोगे कैलकुलेट, मैं इसमें आपको और कुछ बताता हूं। ये तीन कार्बन जो है, ये तीन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले हैं, कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन सिंगल, तो इन तीनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। ये कार्बन सिंगल बॉन्डेड है लेकिन ट्रिपल बॉन्डेड भी है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। तो मैंने क्वेश्चन में बोला था कि टेल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन, तो मैंने चारों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताई है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कितनी आएंगे चिराग, 11, पाई कितनी आएंगे 16, तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया सर, ठीक है। बोलो, हाइब्रिडाइजेशन आप जैसे ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रायोरिटी एसपी नहीं आएगी, प्रायोरिटी एसपी आएगी। अगर हम उससे पूछते हैं मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन क्या, तो मैं एसपी बोलता, पर मैंने क्वेश्चन में ये बोला कि गिव हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन, तो आप हर एक कार्बन की सेपरेटली बताएंगे, फिर उसने जो बॉन्ड बनाई हुई है वो एक्सप्लेन करेंगे। समझ में आ गया? तो ये था हमारा कल वाला काम, उसमें मैंने आपको थोड़ा थ्योरी वाइज लिखवाया था, थ्योरी वाइज लिखवा दिया। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो हैंड रेज करेगा, नहीं तो यस सर लिख दो। ठीक है निशा, ठीक है चिंदन, सारिका सृष्टि, बैली बैली है, मैंने इतना ही खोलना पड़ता है। मन्नत जी कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास हमारा कल वाला काम, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट हमने किया नहीं था। अब मैं आपको करवा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म, मैंने आपको भी बोल के भी बताया, इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फॉर्मूलाज आते हैं, वो फॉर्मूलाज हमें कैसे अटेम्प्ट करने होते हैं, कैसे हम उन पे काम करते हैं। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि ये टॉपिक 50 नंबर में आ जाएगा पेपर में, 5 नंबर में आ जाएगा, इस लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेडिंग है आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पहले रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे हम, फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन का नाम है कंप्लीट एंड कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंप्लीट एंड कंडेंस्ड फॉर्मूला, देखो मैं भी आपको सिग्मा पाई बॉन्ड वाला काम करवा रहा था। सिग्मा पाई बॉन्ड वाले काम में जब आप उसको सॉल्व कर रहे थे, सॉल्व किस लिए कर रहे थे, ताकि हम सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट कर सके, तो वो जो आप स्ट्रक्चर को बिल्कुल खोल के लिख रहे थे ना, उसे बोलते हैं कंप्लीट फॉर्मूला।
जिस फॉर्म में मैं आपको दे रहा था उस फॉर्म को क्या बोलते हैं, कंडेंस फॉर्मूला। मतलब कंप्लीट फॉर्मूला ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो फॉर्मूला होता है जिसमें आप उस फॉर्मूला में जितने भी एटम्स आ रहे हैं सबकी बॉन्ड्स प्रॉपरली शो करोगे। किसी भी एटम से हमें भेदभाव नहीं करना, जैसे हम थोड़ा बहुत भेदभाव कर लेते हैं। अब जैसे मिथेन है, मिथेन को आप ऐसे लेते हैं CH4, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हाइड्रोजन कार्बन के सारे बॉन्ड दिखाए नहीं, स्किप कर गया। चलिए तो फिर भी सिंपल कंपाउंड है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोपेन, तो प्रोपेन में कितने हाइड्रोजन आ गए, 8, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे। मैंने 8 के 8 हाइड्रोजन में से किसी की भी बॉन्ड शो नहीं की। तो ये हमारे पास हमारा कंडेंस फॉर्मूला का तरीका है, रिप्रेजेंटेशन है। इसको मैं और ज्यादा कंडेंस भी कर सकता हूं। मैं जो ये कार्बन कार्बन की बॉन्ड शो कर रहा हूं ये भी नहीं करूंगा, ये लो। मैं इसको और ज्यादा कंडेंस भी कर सकता हूं, जो मैं अलग अलग शो कर रहा हूं करूंगा ही, ये लो। समझ रहे हो, कंडेंस फॉर्मूला के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन कंप्लीट फॉर्मूला में क्या होता है, जितने भी बॉन्ड्स आ रहे हैं सारे बॉन्ड्स आपको वन बाय वन करके रिप्रेजेंट करने हैं। जैसे यहां पे कार्बन कार्बन बॉन्ड तो मैं शो कर ही रहा था, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी मैंने शो किया। तो ये जो नीचे वाले 3 एग्जांपल हैं ये हैं हमारे पास कंडेंस फॉर्मूला के, और जो ऊपर वाला एग्जांपल है ये है हमारा कंप्लीट फॉर्मूला। तो आप इसमें फर्स्ट पॉइंट बनाओगे, हेडिंग के अंदर फर्स्ट पॉइंट बनाओगे, इसमें लिखोगे इनकंप्लीट फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन इन कंप्लीट फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर शोन इन द फॉर्मूला With lone pairs, LONE, lone pairs के ब्रैकेट में लिख लो, if present, अगर present होंगे तो ही दिखाने हैं। For example, complete formula के example दे रहा हूं। For example, propane, एक तो लिखा हुआ है, पहला example है propane। दूसरा एग्जांपल मैंने ले लिया इथेन नाइट्राइड। एक बार नाम पे ध्यान मत दो क्योंकि नाम वाले रूल मैंने आपको पढ़ाए नहीं है, आप स्ट्रक्चर पे ध्यान देना। इथेन नाइट्राइड का फॉर्मूला होता है CH3CN, जिसको मैं कंप्लीट फॉर्मूला में ऐसे लिखूंगा। अब ये रिप्रेजेंटेशन गलत है, गलत नहीं बोल सकते, इनकम्प्लीट बोल सकते हैं, बना लो पर इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है, जो नाइट्रोजन है नाइट्रोजन के लोन पेयर शो नहीं किए मैंने। कंप्लीट फॉर्मूला में अगर किसी एटम पे लोन पेयर आते हैं तो शो करने होते हैं। मैं आपको बता देता हूं हमें यहाँ पे कौन कौन से एटम यूज करने हैं, कार्बन यूज करना है, हाइड्रोजन यूज करना है, ऑक्सीजन यूज करना है, नाइट्रोजन यूज करना है, हैलोजन यूज कर सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सल्फर यूज करना है, फास्फोरस यूज करना है, ये वाले एटम्स यूज होते हैं। ये तो कभी कभी होते हैं, इनको निकाल देता हूं मैं, मेनली ये 3 ही होंगे। वैसे ये भी कभी कभी होता है पर इसके रिलेटेड चैप्टर प्लस 2 में आएगा तो मैं बता रहा हूं। कार्बन हाइड्रोजन पे कोई लोन पेयर नहीं होता, इनको ऐसे ही शो करना है। ऑक्सीजन पे होते हैं 2 लोन पेयर हमेशा, नाइट्रोजन पे होता है 1 लोन पेयर, हैलोजन पे होते हैं 3 लोन पेयर। तो ये हमको इसलिए बता रहा हूं, जब भी आप कोई इनके रिलेटेड कंपाउंड लिखोगे तो ये लोन पेयर रिप्रेजेंट करने जरूरी है, ठीक है ना। तो ये साइड में लिख लो, ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। और एग्जांपल बता रहा हूं, सिरका विनेगर, जिसका केमिकल नेम है इथेनोइक एसिड, इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। एसिटिक एसिड बोलते इसलिए हैं, एसिटिक एसिड में वर्ड आता है एसेट, एसेट वर्ड का मतलब होता है एसेटम, जिसका मतलब होता है सिरका।
ठीक है ना। विनेगर इज द इंग्लिश वर्ड, जो एसिडम है वो लैटिन वर्ड है, तो उसका मतलब होता है सिरका, वहीं से आया एसिडिक एसिड। ये ज्यादा जानकारी प्रश्नों में देंगे, अभी बेसिक बेसिक जानकारी इकट्ठी करेंगे। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, नॉर्मल फॉर्मूला है ये, मतलब कंडेंस वाला। इसको कंप्लीट स्ट्रक्चर में कैसे लिखूंगा, कार्बन कार्बन के तीन हाइड्रोजन, एक और कार्बन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे ना दो लोन पेयर होते हैं, ये तो ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। समझ में आया, धीरे धीरे नाम से फॉर्मूला पता चल जाएगा, फिर आप बना लोगे स्ट्रक्चर। एक बार तो आपने नेमिंग की नहीं हुई ना, इसलिए दिक्कत आ रही होगी, बाकी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। तो ये हमारे पास हमारे कंप्लीट फॉर्मूला के एग्जांपल है, ठीक है। इसके बाद बनाओगे सेकंड पॉइंट कंडेंस फॉर्मूला का। इन कंडेंस फॉर्मूला We can skip some or all SOMe, some. We can skip some or all dashes. ये वाले dashes. ऐसे bracket में दिखा रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं। We can skip some or all dashes representing covalent bonds. ये dash का represent करते हैं covalent bond को, representing covalent bonds and representing the abbreviated formula. Representing the abbreviated, यानी कि कंडेंस किया हुआ छोटा फॉर्मूला, शॉर्टकट वाला एब्रीवेटेड फॉर्मूला। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इफ सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट, सब्स्टिट्यूएंट कौन होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट वो ग्रुप होते हैं जो हमारी मेन चेन का पार्ट नहीं होते। अभी मेन चेन क्या होती है नेमिंग में देखेंगे, एक बार सुन लो, जो हमारी मेन चेन है इसके अलावा कोई ग्रुप आ रहा होगा उसे हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। अभी सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, जब नेमिंग करेंगे तब इनको मेहमान बोलेंगे, ठीक है ना, मेहमान है ये हमारे। इफ सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट देन इट इज रिटन, इट इज रिटन इन ब्रैकेट्स, गलत वर्ड है वैसे, ये सही वर्ड होता है पैरेंथेसिस, इनको ब्रैकेट नहीं बोलते, इनको पैरेंथेसिस बोलते हैं, पर आपके सिंपलिसिटी के लिए, क्योंकि आप तो ब्रैकेट ही बोलते हैं छोटे होते से, ब्रैकेट लिखवा दिया मैंने, क्योंकि आपने कौन सा टीचर को दिखाना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने ये, अगर कोई ग्रुप आपका एज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसको आप किस में शो किया करेंगे, ब्रैकेट में शो किया करेंगे, पैरेंथेसिस में शो किया करेंगे, कंडेंस फॉर्मूला में। करें एग्जांपल, अब जैसे मेरे पास कुछ एक एग्जांपल आ गए हैं ये वाले, ये दोनों कंडेंस फॉर्मूला है किसके, इथेन के। बड़े वाला इथेन कैसे बनाता मैं, सारी बॉन्ड खोल खोल के शो कर देता, ऐसे भी शो कर सकते हो, ऐसे भी शो कर सकते हो, दोनों कंडेंस फॉर्मूला है, ये थोड़ा सा कम कंडेंस्ड है, ये ज्यादा कंडेंस्ड है। ये कंडेंस फॉर्मूला, ये भी कंडेंस फॉर्मूला, हाँ जी बहुत बढ़िया, ये भी कंडेंस फॉर्मूला। एक बात नोट कर रहे हो, कंडेंस फॉर्मूला में लोन पेयर दिखाने जरूरी नहीं है, ओपन वाले में दिखाने जरूरी होते हैं ना, कंडेंस वाले में दिखाने जरूरी नहीं है, मैंने शो नहीं किए। तो ये तीनों कंडेंस फॉर्मूला से किसके, प्रोपेनॉइल से।
नेमिंग पे एक बार ध्यान मत देना कि सर इसका नेम कैसे आया, वहां पर रूल सीखेंगे। अभी तो सिंपल सिंपल नियम है, आपको कुछ आते भी हैं, बाद में चेंज आते बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। पर अगर अपने को रूल याद है तो टेंशन वाली बात नहीं है, रूल याद है तो कोई मर्जी नियम आ जाए। आईयूपीएससी नेमिंग की खासियत ये है, अगर 1 करोड़ तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, उनके 1 करोड़ तरह के नाम आएंगे, किसी भी कंपाउंड का नेम रिपीट नहीं करता, ये उनके रूल्स खासियत है, बिल्कुल यूनिक नेम देते हैं। आपके मेरे नाम तो रिपीट हो जाते हैं, किसी और का नाम भी मंगल हो सकता है, जतिन हो सकता है, चिराग हो सकता है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम रिपीट नहीं करते, यूनिक नेम, समझ रहे हो, ये उनकी खासियत है रूल्स की। एक मुझे इसमें एग्जाम्पल याद आ रहा है, जो मैंने आपको सब्सिक्वेंट वाली लाइन लिखवाई ना, उसके लिए वो एग्जाम्पल है। एक बार देखो, मेरे पास ना ये एक कंपाउंड आ गया, अब इसमें क्या होगा, मेन चैन तो ये चार का तीन, मतलब तीन कार्बन की है, ये मेन चैन में नहीं है, इसको कंडेंस फॉर्मूला में कैसे शो करेंगे, एक तो ये रिप्रेजेंटेशन है, और देखो इसमें ये बड़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन है, पेपर में बहुत बार दी होती है, CH3 CH, चलो ये बॉन्ड दिखा दी, CH3 CH, CH के साथ कौन है, CH3 भी है, CH2 भी है, CH2 तो मेन चेन का पार्ट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट नंबर किसमें शो करते हैं, पेरेंथेसिस में, चलो ब्रैकेट बोलो पेरेंथेसिस बोलो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रिप्रेजेंटेशन, अब आपको इस रिप्रेजेंटेशन से क्या समझना है, जो CH3 ग्रुप ब्रैकेट में है वो मेन चेन में नहीं आएगा, वो मेन चेन से बाहर आएगा, जैसे आएगा, तो ये रिप्रेजेंटेशन है, समझ रहे हो। पेपर में ना ये रिप्रेजेंटेशन दी होती है, बच्चे क्या करते हैं, ये भी कार्बन, इसको कार्बन मान लेते हैं, ये पेरेंथेसिस है, मतलब ये ब्रैकेट शो की हुई है, ब्रैकेट के अंदर CH3 है, तो ये रिप्रेजेंटेशन, बात समझ में आई, लिखो इसको, एक अच्छे से रिप्रेजेंटेशन देता हूं, उसका ना एक्सपेंडेड फॉर्मूला लिख के लाना, ये होमवर्क रहेगा। इस कंपाउंड का नाम है 2-methylpropanol, एक कंपाउंड मैं आपको दे रहा हूं, उस कंपाउंड का फॉर्मूला लिख के लाना। सर कौन सा फॉर्मूला लिखना है, नहीं नहीं कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंडेंस मैं लिख के दे रहा हूं, हाँ जी ये लो, नहीं घर में बनाना, तो ये होमवर्क का काम है, इसको लिख के लाना ओपन फॉर्मूला में, और इसको ध्यान में रखना, प्लस टू में फिर से दिखेगा ये आपको, प्लस टू में इस कंपाउंड की नेमिंग करनी होती है, नाम लिखना होता है, और ये बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, तो इसको आप ओपन फॉर्मूला में लिख के लाओगे, यानी कि कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये आपका होमवर्क है, ठीक है जी। दो तरह की रिप्रेजेंटेशन कर लिया आपने, लास्ट टॉपिक आ गया आज का, थर्ड रिप्रेजेंटेशन है ये, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। पहली दो रिप्रेजेंटेशन में अगर किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेस करो, नहीं तो यस सर लिख दो फटाफट। ठीक है मन सृष्टि और सारिका, चलिए तो ये था हमारे पास हमारा सेकंड रिप्रेजेंटेशन। थर्ड रिप्रेजेंटेशन आ गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। लिखोगे इन दिस रिप्रेजेंटेशन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नॉट शोन whereas
कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर शोन, सॉरी लिख लिया क्या, लिख लो फिर, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर शोन विदाउट शोइंग देयर एटम्स, विदाउट शोइंग देयर एटम्स, फुल स्टॉप के बाद, दीज बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड, दीज बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड इन zigzag मैनर, बढ़िया बढ़िया मार्क कर रहे इन zigzag मैनर, zigzag मैनर कौन सा होता है, ऐसे वाला जो बनेगा ऐसे ऐसे। अच्छा ये क्या, ये तो बेंजीन का बना सकते हो, कि बेंजीन नहीं बनाएंगे बस ये पहाड़ी बनाते रहेंगे, ठीक है, बेंजीन का दूसरा तरीका है वो भी बॉन्ड लाइन रोटेशन, ठीक है। अगर मेरे पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगी उसके लिए सिंगल लाइन मार दूंगा, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगी तो डबल लाइन मार दिया करेंगे, कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगी तो तीन लाइन मार दिया करेंगे, बात समझ में आ गई। कार्बन हाइड्रोजन शो नहीं करने होते यहाँ पे, ना तो मैं आपको कोई कार्बन शो कर रहा हूँ ना ही मैं कोई हाइड्रोजन शो कर रहा हूँ, बस आप इतना याद रखो जहां पे आपको बेंड मिलेगा वहां पे कार्बन प्रेजेंट होगा, जैसे यहाँ पे भी बॉन्ड बेंड होगी ना तो यहाँ पे कार्बन है, स्टार्टिंग में भी कार्बन है, हर एक बेंड पे कार्बन है, कार्बन तो मैंने दिखा दिए, कार्बन के बॉन्ड गिन लेना, जितने बॉन्ड बच गए वहां पे कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, कल मैंने बताया था कार्बन और हाइड्रोजन बेस्ट फ्रेंड है, तो ये रिप्रेजेंटेशन होती है। इसमें एक लाइन और लिखो, इफ एटम्स अदर देन, इफ एटम्स अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, इफ एटम्स अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, दे आर शोन इन दिस रिप्रेजेंटेशन, उन्हें दिखाना पड़ेगा, दे आर शोन इन दिस रिप्रेजेंटेशन, अगर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई प्रेजेंट होगा तो वो दिखाने पड़ेंगे, ठीक है जी। एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल है प्रोपेन, इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या आएगी प्रोपेन की, ये आएगी गिन लो चाहे, एक दो तीन कार्बन, सही है, सभी कार्बन पर सिंगल बॉन्ड है तो मैंने सिंगल ही शो किया, कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन दोनों शो नहीं करने होते, तो प्रोपेन की बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ये थी, सर समझ में आई, एक कार्बन फिल करना, इसको दिखा देता हूं, हर एक कॉर्नर पे कार्बन दिखाना होता है, हाइड्रोजन फिल करने के लिए टेट्रावेलेंट नेचर, यहां पे कुछ नहीं रिप्रेजेंट करना, ये तो बॉन्ड नहीं रहेगा, अब मैंने ये बना दिया आपको समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो आप इसको अपनी कन्वीनियंस के लिए इसमें चेंज कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन पता सारे रिप्रेजेंटेशन के लिए होना चाहिए, मुझे भी नहीं आता, अगर मुझे बॉन्ड लाइन नोटेशन दे दो ना मुझसे केमिकल रिएक्शन नहीं होती, फिर मैं उसको इसमें कन्वर्ट कर लेता हूं ओपन फॉर्मूला में या कंडेंस फॉर्मूला, समझ में आया। तो आपने क्या किया, कार्बन कार्बन कार्बन, इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं, एक, तो कितने हाइड्रोजन आएंगे, इसके कितने बने हुए हैं, इसमें भी तीन, इसके कितने आएंगे, ये दोनों फॉर्मूले सेम ही होंगे, तभी मैं बोल रहा हूं ये इसकी रिप्रेजेंटेशन। और देखो बड़े ध्यान से देखना, ये आ गया, अब एक बार देखो, कार्बन हाइड्रोजन तो हमें शो नहीं करते होते, ये कार्बन हाइड्रोजन से अलग है, ब्रोमीन इज डिफरेंट एटम, इसको शो करना पड़ेगा रिप्रेजेंटेशन, कितने बॉन्ड्स बनाने हैं, एक दो तीन चार, मतलब चार एटम्स हैं, चार में से तीन तो कार्बन ही है, एक ब्रोमीन है, तो एक दो तीन मिला लो, कार्बन कार्बन कार्बन, ये वाली बॉन्ड किसकी है, ब्रोमीन, तो दिखाना पड़ेगा, ये लो, सेकंड कार्बन पे CH3 लगा हुआ है, फर्स्ट और टू, सेकंड कार्बन पे CH3, ये CH3
ये लो, कार्बन हाइड्रोजन है ना, चाहे मेन चेन का पार्ट ये शो नहीं कर रहा, तो पहले मैंने कर दिया है। आप क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट है CH3 लिख दो, नहीं लिखना, जब ये है ही कार्बन हाइड्रोजन शो नहीं करना होता, इसको मैं बॉन्ड लाइन में ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है ना, ये बढ़िया रिप्रेजेंटेशन है। ये कहां लिखा है बता कॉपी में, अभी दो एग्जांपल और करवा रहा हूं, टाइम पड़ा है अभी 3 मिनट 2 सेकंड 1 सेकंड 0 सेकंड 3 मिनट बढ़े हैं। इसके रिप्रेजेंटेशन सही बनाते हैं छुट्टी करवा ले बैठे, ट्राई करो भाई, नहीं होगा तो मैं बैठा हूँ, मतलब मैं करवा दूंगा, आपके पास 1 मिनट है करने के लिए। सर ये है क्या वैसे कंपाउंड का नाम क्या है? सर कंपाउंड का नाम सिखाएंगे, थोड़ा मुश्किल नाम है इसका, 1-bromo-2-methyl-propane। कार्बन जो है वो तो आपको शो करना ही पड़ेगा, कार्बन तो शो करना ही नहीं है, OH दिखाना पड़ेगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। एक O है डबल बॉन्डेड, एक O है सिंगल बॉन्डेड, तो वो देखो कैसे होगा, थोड़ा सा ट्राई करो, ट्राई तो करो ना, गलत हो गया तो क्या होगा, कौन सा करोड़पति है ये, मतलब ठीक है पर सीधा क्यों नहीं शो कर दे डबल बॉन्ड को, जैसे मैंने ये डबल बॉन्ड सीधी, ये सिंगल बॉन्ड सीधी शो कर दी, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो मुझे भी पता है, आपको तो सभी पता है, एक दो तीन, इसकी रिप्रेजेंटेशन ऊपर बना रहा हूँ, कितने कार्बन है मेन चेन में, 1-2-3-4 बात समझ में आ गई, ये वाला कार्बन कौन सा है CH3, ये वाला कौन सा है CH2, इस कार्बन पे CH3 भी आ रहा है क्लोरीन भी आ रहा है, CH3 के लिए ये रहा, इसके कार्बन हाइड्रोजन शो नहीं करने, क्लोरीन तो शो करना पड़ेगा, इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन पे OOH आ रहा है, तो एक आ रहा है डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और एक आ रहा है OH, ये रिप्रेजेंटेशन, बात समझ में आई, ये रिप्रेजेंटेशन है इस वाले मॉलिक्यूल, ठीक है, एनसीईआरटी में और भी एग्जांपल है, ट्राई करो, प्रदीप से ट्राई करो, ये वाली रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, इसके जितने एग्जांपल उसके करना, बाकी बराबर डिस्कस करते हैं, ठीक है।